श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य, भगवद गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृतां उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावना मृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृतां या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावना मृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत ना भी हो फिर भी वह साधु माना जाता है। जहाँ तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवसर लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत के निम्नलिखित श्लोकों से अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। सृष्टि हेतु वही मूर्ति प्रपंच अवतरे, सही ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। मायातीत परव्यो में सवार अवस्थाना, विश्वे अवतरी धरे अवतार नामा। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का यह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार यथा युगावतार। इन सबका इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं और समस्त अवतारों के उद्गम हैं। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावना मृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता अपितु अपनी अहितु की कृपा से उनका उद्धार करता है। हरे कृष्णा। अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।